कार्रवाई। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से की न्याय की गुहार। यह मामला मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के सताई थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सिलावट का है, जहां दबंग लोगों द्वारा गांव में पाल समाज के लोगों की 15 दिसंबर 2020 को लाठी डंडे तलवार लकट्टा वगैरह से पिटाई की और अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है, जिसके चलते दबंग पीड़ित परिवारों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सलावट। कौन सा थाना लगता है? सताई थाना। क्या हो गया सर? हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे घर से 200-250 कड़े या 100-150 मकान के पीछे खेत है सर। हम खेत पे थे, खेत से हम लौटे हैं जैसे साहब, तो एक ही बात में हमें चिल्लावे की आवाज़ आई। आवाज़ हमने कही हमारा बच्चा चिल्ला रहा है, हमारे बच्चन की आवाज़ सुना ली हमने, कही हमारा बच्चा चिल्ला रहा है, तो हम भाग गए। अरविंद सिंह, बहादुर सिंह, दीपू सिंह, रामबाबू सिंह, ये लाठी डंडा लिए हुए हमारी घरवाली को पकड़े है। हम कौन ने रगड़ना चालू कर दीजिए मतलब, तो फिर हम घुस के भाई के दरवाजे वो घुस के छत पर चढ़ गए और चिल्लाने हम तो चिल्लाने, तो ये लोग औरतें और ये अर्जुन पाल भी वहाँ पे आए, उन लोगों को रोका कि तुम क्यों मारने पीटने लगे हो, तो फिर बस इनको भी मारने लगे और फिर कुछ लोग तलवार लिए हुए थे जिसमें अर्जुन की मम्मी के तो तलवार मारी, स्वयं सिंह ने तो सर फट गया। हमारा भाई अभी छोटा मुँह भी नहीं बोल पा रहा है सर, घर में घुस कर के ही मारा। और हमारे भाई की छोटे हमसे बड़े भाई की भी गाड़ी रखी थी अभी, देखो इस मोड़ी को देखो, दे दे। तो सर मोटरसाइकिलें भी तोड़ दी और हम पर अरविंद सिंह, रामबाबू सिंह और पहलवान सिंह गोली चलाने लगे सर। जो है हमारे यहाँ ये गोली भी लग गई और सर 100 नंबर भी आ गई वहाँ पे, 100 नंबर के सामने भी उन्होंने फेर की, 100 नंबर को लठ बताए ऐसे कि चुप, 100 नंबर बेचारे जो भी है 100 नंबर एक साइड में हो गई और उन लोगों ने 100 नंबर के सामने फिर हमारी सभी औरतें बचाने आई, सभी औरतों को मारा। साहब ये बच्ची है इसको बंदूक की बट मार देते हैं, ये बच्ची है इसको बंदूक की बट मार देखो जी है साहब काला पड़ा हुआ है सर। यही साहब भी बोल साहब ने अभी यही बोला है कि सर भाई हरदयाल तुम लोग जितने भी हो 2 दिन की मोहलत दे दूँ, मैं तुम्हें 3 दिन में पकड़ लूँगा साहब। 2 दिन क्या, आज तो 19 तारीख हो गई 15 तारीख से, आज तक कोई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ सर, ना कोई सुनता है और ना उनकी कोई गिरफ्तारी करता है पकड़ता है। वो पूरे गांव में खुले आम हथियार लेकर के घूमते हैं, वो बोलते हैं हमको केस लगी गया माना चू तो बच्चे नहीं छोड़ेंगे। आज आप कहाँ पे आए हुए हैं? आज हम सर इसीलिए SP ऑफिस आए हुए हैं, हमारे 16 आदमी घायल हैं जिसमें से 6 लोग अभी भर्ती हैं और हम लोगों को तो जिसमें एक गोली भी नहीं मिली साहब। मैं सरकारी हॉस्पिटल से मैं सताई में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया था इनका हमारे। तो साहब क्या कह रहे हैं? साहब कह रहे हैं हम उनको कार्रवाई करते हैं, तुम लोग जाओ। अब साहब जाएं हम घर तो कैसे जाएं साहब? हमको कोई प्रूफ मिल जाए ऐसा कि जैसे हम जाते हैं, साहब ने कहा तुम जाओ कोई नहीं बोलेगा। साहब कह रहे हैं हम आपके साथ चल रहे हैं आप चलो क्या? जी साहब तो हम मंजूर हैं साहब, लेकिन साहब कितने दिन रहेंगे उनके साथ हमारे साथ? हमारे साथ क्या रहना साहब, जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं उनको पकड़ो, उन पे आप लगाम लगाओ, तो हम लोग के साथ न्याय होगा। ठीक साहब, पुलिस तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही सर सताई थाने से। वो कहते हैं कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है, माधा चौधो कहाँ सुनाओगे? इसके पहले भी कई कांड हैं, एक दो बार SP ऑफिस और भी आए सर, आवेदन भी दिया, SP साहब ने बोल दिया था कि अब की बार जैसे ही बोले उनका सालन का जिला बदल कर देंगे, लेकिन जिला बदल तो क्या, हमारे गांव में पुलिस भी नहीं जा पा रही साहब। कहाँ से क्या हुआ आप साथ में, क्या घटना घटी है? श्रीमान जी मैं कुआ पैसे आ रहा था अपनी डोरी फैला के, तो मैंने कुछ लोगों ने चाचा हुई कि कोई झगड़ा हो गया तुम्हारे कोई मोहल्ले में झगड़ा हो गया, तो मैं आया तो मैं सीधा चलाया तो मैं कुछ नहीं बोला उनसे, और 20-25 लोग खरीदे सब लठ ले थे, तलवार ले थे, कट्टर ले थे, सब ले थे, और वो लोग भीड़ लगाए तो वो बचके को देवी जुटी थे, धरती में माँ भी जुटी थे, वो आदमी में माँ भी जुटी थी सब। मैं आया तो कोई मैं कुछ नहीं बोला, मैं खड़ा हो गया
वो हमको हमें भी मारना चालू कर दिया उनने। उसके बाद में कारण क्या मारने क्या कारण मारने का कारण कुछ नहीं है श्री राम जी को, कारण तो मेरे को पता नहीं है क्या हो गया कारण के नहीं है कुछ कारण नहीं है मैं तो मारने लगी सीधी बात तो मेरी माँ ने भाई ने सब लोग जितनी मेरे परिवार में सब लोग गिरी तो उनको भी मारा हल्के हाथ पाँव टूट दिए हर चीज कर दी उनने। कौन है वो कौन है वो आरोपी तो है बहुत भी सब 20-25 लोग थे। बहादुर सिंह है, आयबन सिंह है, राम बाबू है, श्याम सिंह है, सुरेंद्र है। थाने में शिकायत करी? थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कब की घटना है? आज कहाँ पे आए हो? आज हम आए हैं छतरपुर में। घटना कब हुई थी? घटना हुई थी 15 तारीख को। छतरपुर कहाँ पे आए हो? टैक्सी हो गया। मरीज अस्पताल में भर्ती है क्या? हाँ भर्ती है, 6 लोग भर्ती है, सीरियस है बहुत। और श्रीमान जी आज आज की बात बता रहा हूँ। आज जैसे हम लोग हमारे पिताजी हैं कहते घो बच्चू ले गए फैसने ऐसे तो उन्हें भूख भी ठहर दी और एक आध आदमी को मार भी दिया है। पुलिस कुछ नहीं बोलेगा? पुलिस कुछ जाती नहीं, पुलिस जाती तो है तो क्या हमारे वहाँ धोई में खड़े रह दी है, वहाँ जाओ हमारे यहाँ खड़े होने से क्या है? क्या हो गया आपके साथ? लठ मारते हैं घर में घुस के, कोई झगड़ा नहीं है ना, उनसे लड़ भी जाती हैं, भी घर में आती हैं तो घुस के लठ मारी सारी को घर में, मैं हमारी मोड़ियन में लड़कन में सब। हाँ कौन मारता है? अरविंद सिंह जी को, उनका सारा परिवार है, हमको हम तो बहुत गया सुनते सारा नाम तो आते नहीं। कौन सा थाना लगता है? तो वहाँ रिपोर्ट करी तो TI साहब ने 2 दिन की गम खबा दी, बोले नहीं आपका फैसला हुई मारा है तो सफा पकड़ेगी। कौन से गांव? आवेदन कहाँ दिया हुआ? कौन से गांव की है आप? क्या हो गया आज SP ऑफिस क्यों आई? वहाँ पे अरविंद सिंह हमला करता है हम लोगों। अरविंद सिंह कौन है? ठाकुर नहीं तो क्या है? गांव का कौन है? सरपंच। क्यों करता हमला? मारता है हम लोग। आप लोग कोई दुश्मनी है आपके उनसे? कोई दुश्मन नहीं है। तो आपने संबंधित थाने में रिपोर्ट नहीं की होगी? क्या है? कितने दिन हो गए परेशान करते हुए? 15 तारीख को झगड़ा हो गया था। इसी 15 को? हाँ। जब से झगड़ा करता है वो। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया वहाँ के थाना प्रभारी ने? वो बोलते थे कि दम था 2 दिन की हम कहते हैं उनका, वो वहाँ पे जाते नहीं है। तो फिर आज हमारा तो पति पड़ा कुछ यहाँ पे थाने में फैती है, हम लोग ने ढो बच्ची उड़ी तो हमारा पशु में मारा हम लोग यहाँ पे आ गया है। बेटा आपको आपको भी मारा क्या? हाँ। किस किसने मारा? अरविंद सिंह ने। हाँ। तो सारा परिवार तो। अच्छा और थाना प्रभारी एक भी बार नहीं आया गांव में? पुलिस नहीं आई गांव में एक भी बार? आए हैं। गोली चलाया है। अच्छा तो अभी SP साहब मिले आपको यहाँ पे? अभी तो मिल गया। तो क्या चाहते आप SP साहब से? अब ये चाहते हैं कि न्याय करना चाहते हैं, उस गांव में हम निभावे नहीं चाहते हैं। जाते हैं तो भी ये बोलता है कि कितने